नमस्कार फ्रेंड्स, आज आप लोगों को अगरबत्ती का जो काउंटिंग उसके ऊपर बताएंगे कि अभी जो मार्केट में बत्ती चल रहा है उसमें कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण दोस्तों आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा काउंटिंग ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सा बत्ती में ज़्यादा काउंटिंग है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों सिंपली आज उसके ऊपर ही बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से काउंटिंग इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब काउंटिंग को आप लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हो, उसका कॉस्टिंग निकाल सकते हो और काउंटिंग किस तरह से आप लोग ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों आज सिंपली इसके ऊपर ही टॉपिक है, इसके ऊपर ही वीडियो होने वाला है। तो नमस्कार व्यूवर्स, मैं हूँ सुदीप बोस, आप लोग देख रहे हैं चैनल प्रगति मैन्युफैक्चरर इंडिया। तो दोस्तों काउंटिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, जहाँ आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सिंपली उन लोगों को नॉलेज है, अगर नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों काउंटिंग कुछ इस तरह से डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा डाई को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को काउंटिंग को बढ़ाना के लिए सिंपली दोस्तों उसमें जो डाई है वो डाई का सिर्फ चेंज करना है। अगर आप लोग 3.2 का डाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली उसमें आप लोगों को 3.0 का, मतलब 3 mm का डाई को यूज़ करना है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग 3 mm का भी आप लोगों को कॉस्टिंग, मतलब काउंटिंग नहीं मिल रहा है, मतलब 1000 पीसेस ऐसा कुछ, 1020 पीसेस या 1050 पीसेस ऐसा कुछ काउंटिंग आ रहा है, तो दोस्तों उसको अगर आप लोग रॉ बत्ती को अगर काउंटिंग को बढ़ाना चाहते तो सिंपली दोस्तों आप लोगों को क्या उसमें 2.9 डाई का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अभी 2.9 डाई का बत्ती बहुत चलता है और मार्केट में बहुत 2.9 डाई का बत्ती हो, काला बत्ती हो या कलर बत्ती हो, जो भी बत्ती हो, 8 इंच हो 9 इंच हो, सिंपली दोस्तों उसमें आप लोगों का 2.9 के बत्ती का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें 1100 प्लस का काउंटिंग देता है दोस्तों। सिंपली अगर काउंटिंग ज़्यादा देगा तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा, लेकिन दोस्तों उसमें भी थोड़ा सा हिसाब करना है कि वो बत्ती का भी जो किलो का रेट है वो भी कुछ इस तरह से इंक्रीज होता है, क्योंकि जो बम्बू स्टिक है दोस्तों उसका भी रेट कम नहीं है, उसका भी रेट बहुत ही मार्केट में हाई है। तो सिंपली आप लोगों को यही देखना है कि कितना बम्बू स्टिक आप लोगों को एक एक किलो बत्ती में जा रहा है, मतलब एक एक किलो बत्ती में कितना बम्बू स्टिक जा रहा है और कितना मसाला जा रहा है, तो उसके हिसाब से दोस्तों उसका जो इक्वेशन करना है उसका उसका टोटल देखना है कि कितना कितना किलो बत्ती में कितना किलो मसाला लगता है और कितना किलो बम्बू लगता है। तो अगर 10 किलो मसाला के हिसाब से अगर आप लोगों को 5.5 से 6 किलो बम्बू स्टिक ही जाता है तो दोस्तों उसके लिए उसका कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से दोस्तों काउंटिंग के साथ आप लोगों का कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। तो उसके हिसाब करके दोस्तों आप लोगों को मशीन में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो, और उसके हिसाब से आप लोगों को रेट लगाना है पर किलो के हिसाब से दोस्तों, क्योंकि जब बम्बू स्टिक ज़्यादा जाएगा ऑटोमेटिकली उसमें बत्ती का काउंटिंग भी ज़्यादा आएगा और मसाला जो है वो कम लेगा। तो इसी के लिए इसके लिए दोस्तों बत्ती का काउंटिंग बढ़ता है। तो ये सिंपली एक तो नॉलेज है, जो लोग बत्ती मशीन चला रहा है तो मैं उन लोगों के लिए यही मैसेज दूंगा कि दोस्तों आप लोग काउंटिंग को बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि कितना बम्बू स्टिक जा रहा है, तो उसके हिसाब से दोस्तों आप लोग किलो के हिसाब से जब बत्ती बेचेंगे तो उसमें आप लोग जो बम्बू स्टिक का जो एडिशनल जो बम्बू आप लोगों को 1 किलो बत्ती में गया है उसका रेट आप लोग ऐड करके दोस्तों उसको पकड़ के उसके ऊपर प्रॉफिट रख के दोस्तों उसका सेल करिए, तो आप लोगों को कोई लॉस नुकसान नहीं होगा। और कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने जो टॉपिक था आज काउंटिंग के ऊपर, कुछ इस तरह से काउंटिंग को बढ़ाया और गिराया जाता है दोस्तों। तो आप लोग अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों काला बत्ती और कलर बत्ती में कोई फर्क नहीं है, सिंपली दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ डाई का इधर जो मशीन में जो डाई लगता है सिंपली वो डाई का ही फांडा है दोस्तों, डाई का ही टोटल ट्रिक है। डाई को चेंज करेंगे तो दोस्तों बत्ती आप लोगों का जितना डाई लगाएंगे उतना mm का बत्ती निकलेगा, ये सिंपल है, क्योंकि धुना अगरबत्ती वगैरह में 4 mm का डाई का यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये भी आप लोग जानते हैं, या 3.5 mm का डाई का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग उधर धुना बत्ती का हिसाब से आप लोग 4 mm या 3.5 mm डाई लगा के प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जब काला बत्ती 8 इंच या 9 इंच का बत्ती आप लोग प्रोडक्शन करेंगे तो सिंपली उसमें 3 mm, 2.9 mm या 3.2 mm ऐसा कुछ डाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को डाई एक्सचेंज करके, मतलब डाई को चेंज करके हब में लगा कर दोस्तों
आप लोगों को प्रोडक्शन करके देखना है कि कितना बत्ती प्रोडक्शन में काउंटिंग आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग करिए, आप लोगों का काउंटिंग के बारे में जो भी समस्या है आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग करिए, और अगरबत्ती रिलेटेड और भी वीडियो डाला हुआ है इस चैनल में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और स्पेशल कुछ वीडियो है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, अगरबत्ती का डीपिंग प्रोसेस हो या अगरबत्ती के किस तरह से आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डीपिंग करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन परफ्यूमिंग किस तरह से करेंगे, उसके वीडियो रिगार्डिंग मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उधर से जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग कुछ इस तरह से काउंटिंग का जो इशू आ रहा है, जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ इस तरह से करिए, आप लोगों को काउंटिंग के बारे में जो भी नॉलेज है आप लोग उधर से नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों, और ये वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बताया उस तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था सिंपली यही था, सिंपली आज का टॉपिक यही था। आप लोग वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, उधर बार बार पॉज करके भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आप लोग फॉलो करिए, और भी अगरबत्ती रिलेटेड प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन डाला है इस चैनल में, उधर से ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, उधर से भी जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो था आज के लिए इतना ही टॉपिक था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।